तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे हम पांच महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे, और हमेशा की तरह मैं पांच या थोड़ा सा पांच छह टॉपिक आप लोगों के लेकर के करंट अफेयर्स आपकी करवाता हूँ। उसी जो है पूरे प्रोस्पेक्टिव में पूरा का पूरा सेशन आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स का, आप देखिए, अब हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश ने जो तरक्की की है वो काबिले तारीफ है ना। लगातार भारत के साथ संबंध भी अच्छे हैं, और जो एक तनाव का वातावरण पाकिस्तान ने पैदा कर रखा था, आप सोचिए कि यदि बांग्लादेश नहीं बना होता, ये भी पाकिस्तान होता, तो स्थिति क्या होती। आप ये जो तस्वीर मेरे सामने देख रहे हैं, ये तस्वीर स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ये मेट्रो रेल की है। और आपको शायद सुन करके बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी पहली मेट्रो रेल सेवा चालू की है। ठीक है, तो बांग्लादेश के द्वारा पहली मेट्रो रेल सेवा चालू करना, ये दिखाता है कि देश में यदि विल पावर हो वहां पे काम करने की। 1971 पे बना ये कंट्री, और आप खुद सोचे, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन्होंने बहाल किया और प्रोग्रेसिव तरीके से काम किया। आज एक बहुत अच्छी दक्षिण भारत में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे बांग्लादेश को आप देख सकते हैं। तो दिसंबर 2022 में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने मेट्रो रेल सेवा चालू की है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे जापान के सहयोग से स्टार्ट किया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। जैसे कि आपको भारत के बारे में भी पता है कि जब हमने भी, जो हमारी डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो है, या जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के सहयोग से हमने भी स्टार्ट किया था, तो ढाका में आरंभ हुआ। ये आप जो देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और जो है शेख हसीना जो बांग्लादेश की इस समय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया प्रॉपरली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यह मेट्रो सेवा जापान के सहयोग से प्रारंभ की गई है, बांग्लादेश की पहली मेट्रो सेवा है। ठीक है, बांग्लादेश की पहली मेट्रो सेवा है, और ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भारत के साथ संबंधों की बात करें, यदि आप बांग्लादेश जब भी बात आती है तो फिर भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर डिस्कशन जरूर होता है। तो 18 मार्च, यहाँ पे एक एक दो फैक्ट और बता देता हूँ। वैसे मैं टॉपिक आपका कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। 18 मार्च 2023 को, अभी जो बीत गया आपका 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, इन्होंने एक ज्वाइंट सेशन किया, और वर्चुअल माध्यम से भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है ना, इसको बोलते हैं IBEP, वो IBFP, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है ना, इंडियन इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, IBFP, इसका उद्घाटन किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था। लगभग 131 किलोमीटर लंबी जो है आपकी ये पाइपलाइन थी, और ये पाइपलाइन जो है, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है हमारी, सिलीगुड़ से लेकर के बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तक इसको पूरा जोड़ा गया है। और इससे देखिए क्या होगा, जो एक सबसे बड़ा संसाधन है ऊर्जा, और उसमें से पेट्रोल, उसकी जो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दोनों कंट्रियों के बीच में, उसको लेकर के सहायता मिल पाएगी बांग्लादेश को, इसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया था वर्चुअल माध्यम से, भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना दोनों के मध्य। तो एक तो ये आपको हमेशा याद रखना, और एक चीज अभी मैंने और आपको बताई थी, अप्रैल 2022 में शहाबुद्दीन चप्पू, ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने शपथ ली थी, शहाबुद्दीन चप्पू है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट याद रखना है, लेकिन मेनली जो ये टॉपिक है, क्योंकि पहले टॉपिक में सारे आपके कंप्लीट कर चुका हूँ। बांग्लादेश के द्वारा जो है, हमारे पड़ोसी देश के तौर पे बांग्लादेश ने जापान के सहयोग से पहली मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अगली खबर यूरोप से है आपकी, है ना। देखिए, यूरोप में आपको पता होगा कि यूरोपीय यूनियन है, और इसमें कई सारे कंट्री आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे अभी इससे पहले यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन हट गया था, ब्रेग्जिट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं, इन्होंने एक साझी मुद्रा बना रखी है जिसका नाम है यूरो, है ना। एक साझी मुद्रा बना रखी है, एक तरीके से देखिए एक आर्थिक संगठन के तौर पे है। और ये राष्ट्र, मतलब
इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए सब एकजुट हो गए, एक साथ आ गए, साझी मुद्रा, एक ट्रेड सिस्टम डेवलप कर लिया, है ना। तो अभी यूरो जोन को अपनाने वाला एक 20वां देश बन चुका है, 20वां देश बना है जो कि यूरो जोन का सदस्य बन चुका है, यानी कि जिसने अपनी मुद्रा, मतलब अपनी खुद की मुद्रा की जगह पे कॉमन मुद्रा चुन ली जिसका नाम है यूरो। यूरो आपका यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के द्वारा चुने जाने वाली मुद्रा है, ठीक है। तो ये देश है क्रोएशिया, क्रोएशिया ये भी ध्यान रखना है, क्रोएशिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट और मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या था, आप एक चीज और समझिएगा, इससे पहले एक समझौता था जो कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा ही बनाया गया था, ये समझौता है आपका सेंगेन समझौता। शायद आपने इसका नाम सुना ना हो, लेकिन यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है सेंगेन समझौता। दरअसल सेंगेन, सेंगेन एक जगह है, शायद लग्जमबर्ग में पड़ती है आपकी, है ना। तो सेंगेन में एक समझौता हुआ था 1985 को, और इस समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं इन सभी देशों में कोई भी तरीके की, जैसे लाइक मान लीजिए यूरोपीय यूनियन के जितने सदस्य देश है ना, यदि वहां पे कभी आप घूमने जाते हैं तो इनमें कोई बॉर्डर नहीं है, एक साझा देश, एक ऐसे देश, मतलब एक तरीके से इन्होंने अपने आप को एकजुट कर लिया। और साथ ही इस समझौते के तहत जितने भी देश जुड़े हुए हैं उसमें लोगों के आवागमन के लिए कोई भी किसी तरीके की वीजा की जरूरत नहीं, एक कॉमन वीजा है यूरोपीय यूनियन का, लोगों के आवागमन की, वस्तुओं के आवागमन की, सेवाओं के आवागमन की, तो इन्होंने जो है एक तरीके से इसको फ्री कर दिया है आवाजाही को, कोई रोक टोक नहीं। कोई एक व्यक्ति यदि यूरोपीय यूनियन का जो है वीजा लेता है तो इसके बाद सारे कंट्रीज में घूम सकता है। तो सेंगेन समझौता में भी क्रोएशिया जुड़ चुका था, क्रोएशिया 27वां देश बना है, 27वां देश बना है सेंगेन समझौता में जुड़ने वाला, और यूरो जोन यानी एक साझा मुद्रा को अपनाने वाला जो है क्रोएशिया 20वां देश बना है। तो भाई ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सेंगेन समझौता के बारे में मैंने बताया कि लोगों की आवाजाही से लेकर वस्तुओं और सेवाओं सबकी आवाजाही को ये क्या कर रखा है, इन्होंने फ्री कर रखा है, आपस में कोई बॉर्डर नहीं है। देखो ये बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्कन कंट्रीज हैं, तो यूरोप को एकजुट बना के रखने की, क्योंकि जितनी तबाहियां हुई हैं पूरे विश्व में वो यूरोप में ही हुई हैं, चाहे पहला विश्व युद्ध देख लीजिए, चाहे दूसरा विश्व युद्ध देख लीजिए, अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, तो इनको बार मतलब ये अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए इन्होंने आपस में एक समझौता कर रखा, और उस समझौते के तहत ये यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं सारे के सारे एक साझी मुद्रा, एक साझी सीमा, ये सारी चीजों को, एकजुटता को स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग को शायद समझ में आ रहा है यूरो जून अपनाने वाला 20वां देश कौन बन चुका है, क्रोएशिया। इसको रट लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, याद कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भाई। ये इनका आपने देखा होगा, सभी लोग मुझे लगता है इनको पहचानते होंगे, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये है बेंजामिन नेतन्याहू। बड़ा सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, और ये है इसराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन, भारत के परम मित्र, है ना। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी फोटो आप लोगों ने वायरल होते हुए देखा होगा। ये जो है इसराइल के नए प्रधानमंत्री अगेन फिर बन चुके हैं 29 दिसंबर 2022 को जो है, और ये सिक्स टाइम है, छठी बार जो है ये बने, ठीक है। इनकी पार्टी है जिसका नाम है लिक्विड पार्टी, लिक्विड पार्टी, है ना। तो लिक्विड पार्टी के मेंबर हैं ये, और नेतन्याहू 73 वर्ष के हो चुके हैं, 73 ईयर, आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात है। और नेतन्याहू छठी बार इसराइल के प्रधानमंत्री की शपथ ली है इन्होंने, और इसराइल में देखो जो संसद है उसका नाम है नेसेट, इसराइल की संसद को बोलते हैं नेसेट, जैसे लाइक हमारे देश में तो संसद जो है संसद ही बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट ही बोलते हैं, विधायिका का नाम संसद है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, अलग अलग नाम है ना। तो संसद जो है वहां पे मतलब 120 सदस्यों में से 63 सदस्यों का इनको जो है समर्थन प्राप्त हुआ, और अगेन ये छठी बार जो है वहां के इसराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये लोकप्रियता इनकी दिखाता है। और आपको शायद पता हो जब इनके चुनाव प्रचार हुए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से यहाँ पे कैंपेनिंग की थी, स्लोगन्स थे, वो सब का प्रयोग भी किया गया था एक स्ट्रेटजिक तरीके से, ठीक
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इनका जो है प्रधानमंत्री बनना इसराइल का भारत के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, चलो भारत के एक अच्छे सहयोगी के तौर पे है। अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिस दिन हमारा देश सेमीकंडक्टर बनाने लग जाएगा, है ना, और पहला सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो आपका, ये जो आप देख पा रहे हो सेमीकॉन इंडिया, ये क्या है आपका, ये आपका सेमीकंडक्टर डिजाइन में निवेश को प्रेरित करना कि भैया आओ और पैसे लगाओ। किस लिए लगाओ पैसा, भारत में सेमीकंडक्टर बनाओ। तो इसके लिए प्रॉपर एक कार्यक्रम हुआ सेमीकॉन इंडिया, है ना, सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, ये आपका पूरा का पूरा एक कार्यक्रम मंगाए। कहाँ हुआ ये, गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ हुआ, गांधीनगर में। ठीक है, अब देखो भारत सरकार, देखो सेमीकंडक्टर के बारे में आप सभी जानते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती हैं उन सब का ब्रेन है सेमीकंडक्टर, है ना, इसी के द्वारा तय किया जाता है कि किसी भी जो भी है, चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपका कोई भी डिवाइस होती हो, सब में सेमीकंडक्टर पड़ता है। और अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा देश नहीं, एक तो सिलिकॉन वैली जो आपका लाइक यूएसए है, ताइवान है, चाइना है, या जो कुछ दक्षिण कोरिया है, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे, ताइवान जिसमें से अग्रणी कंट्री है जिसके द्वारा सेमीकंडक्टर उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसे में देखिए भारत में सेमीकंडक्टर बनाना ये आने वाला भविष्य है जो तय करेगा भारत की अर्थव्यवस्था को, और इस दिशा में काम किया जा रहा है। तो भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है, और इसमें इस कार्यक्रम में भारत के युवाओं को, स्टार्टअप कंपनियों को, अनेक उद्यमियों को, और साथ ही इसको निवेश को आकर्षित करने के लिए कि लोग आए भारत में इन्वेस्ट करें, और भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को लेकर के एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको बनाया जा सके। तो सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन ये आप पूरा का पूरा देख पा रहे होंगे, ये मतलब आप सोच नहीं सकते जो इस आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं वो उसके ये प्रारंभिक, जो कह सकते हैं कि प्रारंभिक लक्षण दिखने लग गए हमको, है ना, आने वाला भारत कैसा होगा। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर तब बन पाएगा जब हम हर एक डायरेक्शन में इस तरीके का अप्रोच लेकर के चल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और अभी मई 2023 में आईआईटी दिल्ली में भी इसको लेकर के, सेमीकॉन इंडिया को लेकर के कार्यक्रम हुआ था, और इससे पहले अक्टूबर में भी सेमीकॉन इंडिया को लेकर के कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग आराम से लिख रहे हैं ना, जो भी करंट अफेयर्स, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, चीजें लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप सभी को। ठीक है, देखो जितना बता रहा हूं मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इसमें मैं लंबा चौड़ा भाषण भी दे सकता हूं लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। जितनी आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो तथ्य और फैक्ट आपके एग्जाम हॉल पे आते हैं उतने ही तथ्य और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उतने ही तथ्य और फैक्ट लेकर के हम चल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली न्यूज आपकी डिफेंस सेक्टर से है, और लाइक ये आपको क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा कई बार पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफेंस एक्सपो 2022 आपका हुआ था, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई सारे जो है। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आराम से लिखते जाइए सभी लोग। ठीक है, ये डिफेंस एक्सपो, अब आपको एक चीज बताएं, भारत आने वाले समय में, अभी देखो हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो हमारी है इंपोर्ट पे आधारित है अब, लेकिन भारत बहुत सारे डिफेंस के इतने सारे खुद के स्वदेशी वेरिएंट बना रहा है, चाहे वो तेजस की बात हो, चाहे ब्रह्मोस की बात हो, तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो थल सेना से जुड़े हुए उपकरण हो या वायुसेना या नौसेना से। तो अब भारत सरकार चाह रही कि हम डिफेंस का जो हमारे यहाँ पे निर्यात का एक मार्केट है वो इस्टेब्लिश हो पाए, हम भी जो है अपने आसपास पड़ोसी देश या विश्व के अन्य देशों को निर्यात कर सकें शस्त्रों का। ठीक है, तो 18 से 22 अक्टूबर 2022 को, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को, ये खबर आपकी 2022 की है, 2022 को गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में महात्मा गांधी सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र जो गुजरात में है वहां पर डिफेंस एक्सपो लगाया गया। ठीक है, डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी हमारे उपकरण हैं उन सभी को जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये डिफेंस एक्सपो को लेकर के ही है। तो ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और देखिए मेन हमारा जो है उद्देश्य यही है कि भारत को कैसे हम
डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां और अग्रणी बने, कैसे हम निवेशकों को ला सकें इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जो है हम भारत को एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप कर सकें डिफेंस को लेकर के, इस पूरे उद्देश्य के साथ। और इसमें देखिए बहुत सारे सशस्त्र बल, DRDO जो हमारे यहाँ की मुख्य संस्था है जो कि डिफेंस को लेकर के काम कर रही है, और इसके अलावा कई सारे जो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हुई थी, हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की भी यहाँ पर वार्ता हुई थी, तो कई सारे कंट्रीज के रक्षा मंत्रियों को इन सब कार्यक्रमों में बुलाया जाता है ताकि आए और देखें और खरीदें। सबसे बड़ी बात आप समझो कि ये एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे इंडिया को डेवलप करना है, तो ये भी आने वाला भारत का, जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये सारे प्रयास हैं, और ये बहुत अच्छा है। इंडिया जो है हर एक सेक्टर में अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे सामने एक आपके जो है एक विमान है, और ये ट्रेनर विमान है, छोटा सा विमान आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं HTT-40। ठीक है, ये है आपका स्वदेशी ट्रेनर विमान। ठीक है, 19 अक्टूबर 2022 को, 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांधीनगर में, देखो गुजरात में, गुजरात से मोदी जी हैं, वैसे अब तो मैं तो यूपी से कहता हूँ हमेशा क्योंकि बनारस से जीते हैं, लेकिन गुजरात में इतने सारे जो है कार्यक्रम और चीजें लगातार होती रहती हैं। तो जो डिफेंस एक्सपो आपका हुआ था 2022 का, डिफेंस एक्सपो अभी आपको मैंने बताया 2022 का हुआ था, उसी में जो है ये आपका HTT-40, ठीक है, ये अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है, पायलट अनुकूल सुविधाएं इसमें दी गई हैं, ठीक है, वातानुकूलित केबिन है। और एक चीज और है, जब कभी कोई भी जो आपका किसी भी प्रकार से कोई भी विमान जो होता है यदि दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो इसमें जो है इंजेक्शन सीट होती है, इंजेक्शन सीट लाइक यहाँ से अपने आप को जो पायलट होता है वो इंजेक्ट कर देता है, हवा में उड़ जाता है, बाकी का पूरा तो इंजेक्शन सीट इसमें दी गई है। 60% से अधिक इन हाउस पुर्जे हैं यानी कि भारत में बनाए गए हैं, है ना, टर्बो प्रो इंजन है इसका, वर्षा के प्रतिरोधक क्षमता है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये जो आपका HTT-40 है, एक तो पहली बात ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण है, और एरोबेटिक्स और आपका फ्लाइंग और क्लोज फॉर्मेशन उड़ानों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्वदेशी तौर पे डेवलप किया गया है HTT-40, ये आपका स्वदेशी ट्रेनर विमान है। ठीक है, ध्यान रखना है, डिफेंस से जुड़ी हुई एक खबर ये है आपकी, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा जाने की जरूरत भी नहीं। अब यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी जी, अब इनको क्यों लेकर के आए, क्योंकि अभी एक ड्रोन का अनावरण किया इन्होंने, ड्रोन का अनावरण किया। दरअसल एक कंपनी है हमारे देश में जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ गरुड़ एरोस्पेस, एरो स्पेस, इसके ये पहली बात तो ब्रांड एम्बेसडर है, कौन, महेंद्र सिंह धोनी, गरुड़ एरोस्पेस इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी स्वदेशी रूप से विकसित एक कैमरा ड्रोन है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, ये क्या है आपका कैमरा ड्रोन, कहाँ पे डेवलप किया गया, भारत में। इस कैमरा ड्रोन का नाम रखा गया है ड्रोनी, क्या नाम रखा गया, ड्रोनी, इसका अनावरण किया है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ही किया गया है। अब इसका ड्रोनी का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, एक तो एग्रीकल्चर में किया जाएगा, कृषि में, है ना। अब देखो एग्रीकल्चर में बड़े स्तर पे काम, अभी आपको पता है किसान ड्रोन का संकल्पना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा ये जो है आपका ड्रोनी का जो है पूरा का पूरा प्रयोग किया गया, और बैटरी से चलने वाला यह ड्रोन लगभग 30 एकड़ भूमि पर कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है। तो कीटनाशक छिड़काव को लेकर के जो किसान ड्रोन की संकल्पना है, उसी सेगमेंट में ये ड्रोन पूरा आपका लॉन्च हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया है, नाम इसका ड्रोनी है, और ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा इसको बनाया गया है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मिशन लाइफ, आप लोगों ने नाम ही शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम सुना हो। ऐसे करके देखो बहुत सारे यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लेता है मिशन लाइफ को लेकर के, चार स्टेटमेंट देगा। अब यहाँ पे मिशन लाइफ में यहाँ पे देखिए लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मिशन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ मिशन है, पहले तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस भारत आए थे,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्हीं के उनकी उपस्थिति में ही मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया था। तो मिशन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, पर्पस क्या है हमारा? इसका पर्पस है पर्यावरण की रक्षा करना, और इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को साथ में जोड़ना। ठीक है, तो वर्ष 2028 तक भारत के सभी गांवों और शहरी निकायों में कम से कम 80% इनको पर्यावरण अनुकूल बनाना। ठीक है, जो आपके शहर और गांव हैं, शहर एंड गांव, इनको क्या करना है हमें, इनको हमें 80% क्या करना है, पर्यावरण अनुकूल बनाना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे पर्यावरण को लेकर के मिशन लाइफ चालू करेगा। और देखिए, आप खुद सोचिए, आप हम लोग मंगल में जो है, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता है, मंगल में जीवन की खोज कर रहे हैं, दूसरी गैलेक्सी में जीवन की खोज कर रहे हैं। भैया, दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये धरती है, धरती को बचा लिया तो सब कुछ हो जाएगा, और धरती के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं वही सबसे बेहतर है। जिस ग्रह में जीवन है वहाँ उसका रिस्पेक्ट नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, है ना? मंगल में जीवन बसाएंगे, मंगल में कौन पहुँचेगा, मंगल में, ये बताओ। और दूसरी गैलेक्सी में तो पहुँच ही नहीं पाओगे, आदमी बीच में निपट जाएगा। आप खुद सोचिए, है ना, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है ना, यहाँ 70 साल का जीवन है, पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 1000 साल लग जाएंगे फिर। तो ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। पृथ्वी को बचाइए, पर्यावरण का संरक्षण करिए, उसी दिशा में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। और जो आपको पता है, COP26 हुआ था, उसके जो है अंतर्गत ही ये पूरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के कारण ही ये पूरा प्रारंभ किया गया है। और नीति आयोग जो है इसको डेवलप किया है, केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसको अच्छे से करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारी पृथ्वी को, हमारे प्लेनेट को बेहतर बनाने के लिए, लाइफ को, जीवन को संरक्षित करने के लिए ये मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब अगला चलते हैं, अगला करंट अफेयर्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ये भी आपका अपने आप में खतरनाक है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ये प्लांट है आपका, ये दिल्ली में है, दिल्ली में एक ये प्लांट है, हाँ दिल्ली में एक प्लांट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तहेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये आप देख पा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि भैया कूड़े से हमें ऊर्जा बनानी है, है ना? दिल्ली में तो आपको देखिए पूरा पहाड़ बना रखा है, प्रकृति ने तो पहाड़ दिल्ली को दिया है, अरावली का विस्तार है आपका, लेकिन कृत्रिम तरीके से लोगों के कचड़े से पहाड़ बन गए, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अन्य कई सारी जगहों पर पहाड़ी पहाड़ है। तो इस कचरे से एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना है, और इसको लेकर के प्लांट बनाया गया है। ये 2000 मीट्रिक टन कचड़े को प्रतिदिन निस्तारित कर रहा है, और अभी कई कई बड़े बड़े जो ढेर बन गए हैं कचड़े के, उन कचड़ों के ढेरों को जो है उनसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 26 अक्टूबर 2022 को ये प्लांट आपका इस्टेब्लिश किया गया था, 26 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, इसका नाम है तहेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इससे क्या होगा, दिल्ली नगर निगम का जो कूड़ा है उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो केंद्रीय जो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा जो है इस प्लांट का उद्घाटन किया गया, और इससे जो है लगभग 25 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत भी बनेगी, 25 मेगावाट जो है बिजली भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली के लिए। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में देखें तो एक तो मैंने आपका ये बताया कि ये तहेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, मिशन लाइफ के बारे में चर्चा की, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है, हमने ड्रोनी के बारे में बात की कि गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा जो है एग्रीकल्चर को लेकर के ड्रोनी बनाया गया है। इसके बाद जो है हमने चर्चा की आपका जो ये HTT-40 आपका ये स्वदेशी ट्रेनर विमान है गांधीनगर में, इसके बारे में चर्चा की, डिफेंस एक्सपो 2022 के बारे में चर्चा की, और इसके बाद जो है सेमिकॉन इंडिया के बारे में चर्चा की हमने। इसके अलावा जो है बेंजामिन नतन्याहू के बारे में मैंने बताया कि छठी बार ये इसराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और क्रोएशिया 20वां देश बन गया है जिसने यूरो को अपना लिया है, यूरो जोन का सदस्य बन चुका है, सेंगेन समझौते को अपनाने वाला 27वां देश क्रोएशिया बना है, और बांग्लादेश में दौड़ने लग गई है मेट्रो रेल सेवा ढाका में। ठीक है, तो ये जो है आपके आज के करंट अफेयर से जुड़ी हुई
महत्वपूर्ण विषय वस्तु थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। बस अब जितना बताता जा रहा हूँ इनको रिवाइज करते जाओ, रिवीजन ही की है, रिवीजन से ही होगा। जो जितना रिवीजन कर ले जाएगा यही करंट अफेयर्स, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, ये पूरे दावे के साथ में कहता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स की यही प्रवृत्ति है, यहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए।